हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। सो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे छोटे नंबर दो नंबर में आए या फिर तीन चार नंबर में आए, आता ज़रूर है। मैंने बहुत देखे लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दी जाए। ठीक है बेटा, मैं चाहता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से हो, तो ये टॉपिक छूट रहा था, मैंने सोचा यार इस पर वीडियो ज़रूर बना दें, नहीं तो बच्चों का नुकसान हो जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज़ का मतलब क्या है कि जो चीज़ चल रही है ना वो सेम होगी देखना ऐसे क्वेश्चनों में, और वो चले जा रही है इनफाइनाइट पदों तक। ठीक है, जैसे ये पद है वो सेम टू सेम चीज़ है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, ये अनंत पदों तक चली रही है। ये भी पावर ई की पावर एक्स के फिर प्लस उसके ऊपर फिर ई की पावर एक्स जुड़ा उसकी पावर में फिर ई की पावर एक्स जुड़ा, ऐसे इनफाइनाइट पदों तक चल रहा है। तो चार क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इन्हीं चार क्वेश्चनों से आपको आइडिया लग जाएगी भैया कैसे करना होता है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं। सॉल्यूशन नंबर वन देखो दिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमने dy / dx ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है x, उसके ऊपर पावर में s, उसकी पावर में फिर x, उसकी पावर में फिर x, ऐसे ही चलता जा रहे हैं अनंत पदों तक, इनफाइनाइट पदों तक ये चलता जा रहा है। अब आप खुद देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखें ये अनंत पदों तक चल रहा है, ये हमारा वाई है, ये हमारा क्या है बेटा वाई है। अगर इस पद को तुम हटा दो यहाँ से, अगर इस एक्स को मैं छुपा दूँ तो इसमें कोई फर्क दिख रहा है तुम्हें? ये भी तुम्हें लगेगा कि भैया ये वाई है, ये क्या है बेटा वाई है, रख सकते हो इसकी जगह पे वाई। तो देखो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ, निम्न को सही रूप में लिखने पर या ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर x टू द पावर y। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसे हमें क्या करना होता है, हमें log लेना होता है। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर। ठीक, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, log y, और यहाँ पे भी आ जाएगा log x टू द पावर y। अब जानते हैं बच्चों log m की पावर n क्या होता है, n log m, ये चीज होती है। सो ये जो पावर का है बेटा वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा log x, और इस तरफ हमारा क्या है बेटा log y, ये सिंपल हमने किया। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक हमें। अब हम यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक करेंगे तो log y का प्लस क्या होगा 1/y, y हमारा डिपेंड पर वेर, ठीक है तो y का प्लस फिर से क्या हो जाएगा dy / dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी नहीं है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर। सो देखिए बेटा dy / dx यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो एक जगह लिख लेते हैं 1/y, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, है ना, और यहाँ पर क्या बचा ओनली वाई, और लॉग एक्स का प्लस क्या होता है बेटा 1/x, तो कुल मिला के यहाँ बचा वाई / एक्स। ठीक, सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसको हम आगे सरल करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो बेटा dy / dx यहाँ से क्या आ जाएगा ओबाइनिस्ट, और यही चीज़ हमें निकालनी भी है, यहाँ बचेगा 1/y और माइनस के log x, और यहाँ आ जाएगा y / x। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी, ओके। अब ये आपका यहाँ इधर घुड़े में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो dy / dx आ जाएगा,
यहाँ, ठीक है, आपको यहीं पे छोड़ देना है, आपको यहीं पे छोड़ देना है। अगर थोड़ा और सरल करना चाहते तो कर सकते हो, वाई एक्स, एक वाई की गुणा इसके साथ हो जाएगी, वाई लॉग एक्स, हल कर दे रहे बट्टे पे भाई, और ये बट्टे वाला वाई गुणे में यहाँ आ जाता है, तो ये हो जाएगा वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर एक्स वन माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक, और यहाँ आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। ऐसे क्वेश्चनों में ना आपको वाई की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि आपको वाई करके दिया होगा, ठीक है, तो आपको वाई के फॉर्म में ही रखना है। ये आपका डी वाई बट्टे डी एक्स आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये अनंत पदों तक है, इसका तुम वर्ग नहीं कर पाओगे, अनंत पदों का वर्ग तुम कैसे करके लिखोगे, है कि नहीं। अब मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ये देखिए दूसरा वाला। अब आपको आइडिया लग चुका है भैया कैसे करना है इन क्वेश्चनों को, ठीक, चलिए सेकेंड नंबर पे आते हैं। देखो ये हमारा वाई है, सेकेंड है ना, सो अगर आप सेकेंड नंबर को ध्यान से देखें, अनंत पदों तक जा रहा है। अगर मैं इस पद को छुपा दूं, तुम यहाँ से अगर तुम देखो तो तुम इसको भी क्या बोलोगे, वाई बोलोगे, है ना, ये वाई तो दे रखा है, अगर इसको मैं छुपा दूं, दे भी नहीं रखा तो तुम मान लेना, ठीक है, इसको अगर मैं छुपा दूं तो ये इतने पदों को तुम देख के तुम क्या बोलोगे, सर ये वाई है, ये तो वाई के बराबर ही दिख रहा है सर, भले ही एक पद कम है लेकिन पता नहीं चला, अनंत पदों तक है ना, तो अगर इसको मैं छुपा दूँ तो भी फिर तुम्हें लगेगा कि अगर अंदर अंदर देखोगे तुम्हें ये वाई ही लगेगा। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट, ये साइन एक्स रखा और इसके जगह पे तुम क्या लिख दो, वाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये पहले लिख देना, ये समीकरण नंबर आपका एक होगा ये वाला, उसके बाद ये आएगा, ठीक, कि समीकरण एक को सही रूप में लिखने पर या निम्नलिखित को ऐसे भी लिख सकते हैं करके लिखने के बाद ये हो जाएगा। अब इधर अंडर रूट, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो इधर वर्क करेंगे तो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलज, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर से टू सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी और वाई का अवकलज क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक, और साइन एक्स का अवकलज क्या होता है बेटा, कॉश एक्स, और वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। अब ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ से क्या बचा बेटा, कॉस एक्स, डी वाई बट्टा डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ, यहाँ से बचेगा टू वाई और ये एक पूरा वहाँ रह गया ना। अब टू वाई माइनस वन ये गुड़े में है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में, आंसर यही आपको ज्ञात करना था, यही आपसे बोला गया था निकालो बेटा, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, है कि नहीं, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, फिर से देखो बेटा, एक ही पावर में x है, फिर प्लस में एक ही पावर में x है, ये चला रहा है अनंत पदों तक, तो तुम जानते हो बेटा इसको कैसे लिखना है, ये y के बराबर है, ठीक है ना, y हमारा क्या है, एक ही पावर x, फिर प्लस में एक ही पावर x, फिर प्लस में एक बार ऐसे चल रहा है अनंत पदों तक, है ना, अनंत पदों तक चल रहा है। सो देखो बेटा, अगर एक पद में छुपा दूँ यहाँ से, अगर तुम देखोगे तो ये फिर से तुम्हें वाई के बराबर ही लगेगा, है ना, तो निम्न को लिखा जा सकता है, उपरोक्त को ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख देना, उपरोक्त होगा, है ना, क्या y, ये एक ही पावर x, प्लस में यहाँ क्या जाएगा बेटा y, ये किसके जगह पर है, y की तरह ही लग रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, अवकलज कर देना है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, है ना,
एक्स के सापेक्ष। अब क्लस करने पर ये हो जाएगा बेटा डी वाई बटे डी एक्स, और एक ही पावर कुछ भी हो उसका अपक्लस एक ही पावर वही होता है, और फिर पावर में जो होता है उसका अपक्लस हो जाता है। ठीक, एक ही पावर एक्स वाई, ये चलो ठीक है, एक्स का अपक्लस हो जाएगा वन और वाई का अपक्लस क्या हो जाएगा बेटा डी वाई बटे डी एक्स। हम गुणा कर देंगे अंदर, एक ही पावर एक्स प्लस वाई, एक ही पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ से ये प्लस का जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स ऊपर इस निकालोगे यहाँ से तो वन आ जाएगा, और ये माइनस का एक ही पावर एक्स प्लस वाई बचेगा। ये गुणे में है, इस तरह बाकी क्या हो जाएगा बच्चों बट्टे में। आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तीन क्वेश्चनों से ही आपको तो अब तक तो आइडिया लग चुका होगा आपको कि कैसे किया जा रहा है। ओके, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट। देखो अनरूट एक्स की पावर अनरूट एक्स की पावर ऐसा लिखा हुआ है, तो चौथे को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ अगर तुम इधर से छुपा दो तो ये तुम्हें क्या लग रहा है बेटा वाई लग रहा है पूरा, कि वाई के बराबर ही है ना, समीकरण मान लोगे तो ये वाई के बराबर ही है। तो अनरूट एक्स की पावर में क्या है बेटा वाई है। ठीक, अनरूट एक्स की पावर में क्या है बेटा वाई है। तो अनरूट का मतलब क्या होता है बेटा, पावर में आदि, और पावर में ही वाई गुणे में है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स की पावर वाई बट्टे दो। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं बेटा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग लेने पर लॉग ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों लॉग वाई, और लॉग लेना यहाँ पे प्रॉपर लिख के दिखाओ लॉग एक्स की पावर वाई बाई टू, आपको पता है लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम है ना। सो बेटा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, लॉग वाई, वाई की पावर सामने आ जाती है और ये हो जाएगा लॉग एक्स। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे एक्स के सापेक्ष, अवकलज करने पर करेंगे तो देखो बेटा लॉग वाई का अवकलज क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई, और वाई का अवकलज हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। इसमें क्या लग जाएगा बेटा फर्स्ट इंटू सेकेंड, देखो वन बाई टू है यहाँ बाहर, ये पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरा वैसे का वैसे वाई है, वाई का अवकलज क्या हो जाता है बेटा डी वाई बट्टे डी एक्स। दो से अंदर गुणा ही कर दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा वाई बट्टे दो लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स, तो ये टू एक्स हो जाएगा, टू गुणा हो जाएगा लॉग एक्स बट्टे दो, ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक, ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो हम डी वाई बट्टे डी एक्स एक साथ उभनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ से बचेगा वन वाई वाई, प्लस का इधर के माइनस का होगा, और यहाँ से उभनिष्ठ आ जाएगा लॉग एक्स बट्टे में दो, और यहाँ से क्या बचा वाई बट्टे टू एक्स, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। सो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या हो जाएगा वाई, ये गुणे में ये बट्टे में आ जाएगा आंसर। तो ये टॉपिक छोटा सा था लेकिन प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते, बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर।